तो हेलो गैस, तो गैस आज की वीडियो में मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा वो कोई थ्योरी वगैरह नहीं होने वाली है। गैस इस वीडियो में मैं तुम्हें जो भी बताने वाला हूँ वो मैं 100% रियल बताने वाला हूँ विद प्रूफ। गैस आज हम सब इस वीडियो में उस टाइम के बारे में बात करने वाले हैं जब पोकेमोन एनिमे एंड होने वाला था। सारी चीजें तैयार थी, एनिमेटर, राइटर, ब्रॉडकास्टिंग, बट गैस कुछ ऐसा हुआ जिससे कि पोकेमोन की एंडिंग रुक गई। गैस इस वीडियो में तुम्हें बहुत ही अमेजिंग चीजें पता चलने वाली है, इसीलिए यार अगर नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देता है। एंड यार लाइक भी कर देना इस वीडियो को, लाइक एम 400 लाइक्स। गैस प्रीवियसली 2 वीडियोस से हम लोग का लाइक एम पूरा नहीं हो पा रहा है 400 लाइक्स का, सो यार ट्राई करना इस वीडियो में ये लाइक एम पूरा करने का। गैस सिंपली इसके बाद अगर तुमने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और अब चलो यार अब अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गैस पोकेमोन एनिमे बहुत ही पहले खत्म होने वाला था, ये बात उस समय की पोकेमोन के हेड राइटर ने बताया है। गैस इनका नाम था ताकेशी सुडो, जो कि फ्रॉम 1997 टू 2002 पोकेमोन के हेड राइटर थे। गैस इन्होंने ही पोकेमोन की स्टार्टिंग की 3 मूवीज लिखी थी। ताकेशी सुडो एक फेमस राइटर थे जापान के। गैस पोकेमोन एनिमे के स्टार्टिंग में यानी कि सीजन 1 या फिर सीजन 2 में एक एपिसोड एयर हुआ था जो कि पोरिगोन पोकेमोन से रिलेटेड था। गैस इस एपिसोड के एयर होते ही बहुत से लोग इस एपिसोड के विरोध में आ गए थे, यानी कि अगेंस्ट में आ गए थे। गाइस अब लोग अगेंस्ट में क्यों आ गए थे इस एपिसोड के, इसके कुछ रीजंस हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस अगर हम लोग रीजंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो ये वीडियो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है एंड यार लंबी हो सकती है। सो गाइस जब बहुत से लोग पोकेमोन एनिमे के अगेंस्ट में आ गए तब यार पोकेमोन एनिमे के चीफ राइटर ने डिसाइड किया कि अब पोकेमोन एनिमे को एंड कर देना चाहिए पोकेमोन की फर्स्ट मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक के साथ। गाइस इसीलिए ताकेशी सुडो ने, जो कि उस समय के पोकेमोन के चीफ राइटर थे, उन्होंने इमीडिएटली 2 पोकेमोन्स की एंडिंग तैयार की जो कि जल्दी ब्रॉडकास्ट होनी थी एनिमेशन में। बट गाइस यही पे पोकेमोन का टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि जब डिसाइड हुआ कि इस दिन पोकेमोन की एंडिंग ब्रॉडकास्ट होगी तब गाइस उसके कुछ दिन पहले ही अचानक से पोकेमोन की टीआरपी बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ही ज्यादा हाई चली गई। मानो यार गॉड भी नहीं उस समय चाहते हो कि पोकेमोन की एंडिंग हो। एंड गाइस जब पोकेमोन कंपनी को पता चला कि उनकी टीआरपी बहुत ही ज्यादा हाई में चल रही है तब यार पोकेमोन कंपनी वालों ने इमीडिएटली ताकेशी सुडो से बात करके पोकेमोन की एंडिंग रोक दी। गैस उस समय पोकेमोन एनिमे की टीआरपी इतनी ज्यादा अचानक से हाई चली गई थी कि पोकेमोन राइटर्स को पता चल गया था कि ये एनिमे अब लंबा चलेगा। गैस ताकेशी सुडो ने, जो कि उस समय के पोकेमोन के हेड राइटर थे, उन्होंने पोकेमोन की 2 एंडिंग्स बनाई थी जिनके बारे में हम सब एक एक करके बात कर लेते हैं कि इन दोनों एंडिंग्स में क्या होने वाला था। गैस इन 2 एंडिंग्स में से किसी एक एंडिंग को उस समय दिखाया जाने वाला था। गैस पहले एंडिंग में हम लोग को ओल्ड एज दिखाया जाने वाला था, जो कि अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है कि वो 10 साल का था तो वो कैसा था एंड कैसे कैसे पोकेमोन्स पकड़ता था और कैसी अपनी लाइफ एंजॉय करता था। गैस उस समय एस बूढ़ा हो चुका था। गैस अपने पुराने दिनों को याद करते करते हम लोग का एस सो जाता है। गैस जब हमारा ओल्ड एस सोने के बाद उठता है तो वो देखता है कि वो अपने 10 साल वाले शरीर में आ गया होता है, यानी कि वो उस टाइम में पहुंच जाता है जब वो 10 साल का एस था। गैस जब हमारा ओल्ड एस 10 साल वाले एस में चेंज हो जाता है, गैस अब हमारा एस कोई एम नहीं रखता है पोकेमोन मास्टर बनने का या फिर कोई लीग जीतने का। वो सोचता है अपनी इस एज में और बेहतर तरीके से जीने का और वो कुछ करने का जो कि वो पिछले बार 10 साल की एज में नहीं कर पाया था। गैस पोकेमोन की फर्स्ट एंडिंग ताकेशी सुडो ने ऐसी लिखी थी। गैस अब बात कर लेते हैं कि पोकेमोन की सेकंड एंडिंग कैसे होने वाली थी। गैस इस एंडिंग में हम लोग को बहुत से पोकेमोन्स का प्रोटेस्ट दिखाया जाने वाला था, जिस प्रोटेस्ट का लीडर होता है हम लोग का पिकाचू। गैस इस एंडिंग में पिकाचू के साथ बहुत से पोकेमोन प्रोटेस्ट पे उतर आए थे। इसलिए प्रोटेस्ट पे उतर आए थे क्योंकि वो सोचने लगे थे कि इंसान अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम सबको यूज करता है और हम सबको एक दूसरे से लड़वाता है और चोट पहुंचाता है और इंसान मतलब ही हो गया है। गैस इस एंडिंग में पोकेमोन्स की गलत फैमिली दूर करने के लिए टीम रॉकेट के मियाउथ को मीडिएटर बनाया जाता है, क्योंकि उस समय वहां पे मियाउथ ही एक ऐसा पोकेमोन था जो कि इंसान की लैंग्वेज एंड पोकेमोन की लैंग्वेज दोनों को समझता था। बट गैस जब मियाउथ पोकेमोन से बात करने के लिए जाता है तो वो और माहौल बिगाड़ देता है। गैस माहौल बिगड़ने के बाद हम लोग का एस आता है एंड सब कुछ ठीक कर देता है। गैस पोकेमोन की सेकंड एंडिंग कुछ ऐसी होने वाली थी जो कि नहीं हो पाई। गैस ताकेशी सुडो पोकेमोन्स के डार्क एपिसोड्स ज्यादा लिखते थे, इसीलिए यार तुम देख सकते हो कि ताकेशी सुडो की पोकेमोन्स की दोनों एंडिंग थोड़ी थोड़ी डार्क है। गैस होपफुली पोकेमोन जैसी एपिक सीरीज की एंडिंग नहीं हुई, और हाँ गैस कभी होनी भी नहीं चाहिए। सो गैस आज की वीडियो के पे करते हैं खत्म। बताना आज का वीडियो तुमको कैसा लगा। आई होप यार कि ये वीडियो तुमको पसंद आई होगी। गैस कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि इन दोनों एंडिंग्स में से तुमको ज्यादा एप्रोप्रिएट एंडिंग कौन सी लगी। और बाकी लाइक कर देना इस वीडियो को अगर अभी तक तुमने लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो। और गैस बाकी आज की वीडियो के पे करते हैं समाप्त। मिलता हूँ मैं जल्दी एक ऑसम वीडियो के साथ। Till then, bye.